हेलो गाइस, वेलकम टू फटीचर विशाल यूट्यूब चैनल। एक ऐसा चैनल जहां पे मैं रोस्ट करता हूं बॉलीवुड के अतरंगे से गानों को। तो आज मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो गाना यहां पे रोस्ट होने वाला है वो है एक रीमेक सॉन्ग जो कि 2012 में आया था। इसका जो ओरिजिनल सॉन्ग था वो बहुत ही अच्छा था, उन्हें जो परफॉर्म किया गया था वो लेजेंड्स ने परफॉर्म किया था, तो हम उस गाने को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो गाना बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो इसका रीमेक बना वो उन लोगों ने बनाया जिनका पहले वालों से कुछ भी लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो अब मैं जा रहा हूँ उस सॉन्ग को रोस्ट करने। मैं चाहता तो इस सॉन्ग को रोस्ट 2012 में भी कर सकता था, लेकिन मुझे उस वक्त तक पता ही नहीं था यूट्यूब नाम की चीज़ होती क्या है। तो अब 8 साल के बाद मैं इस सॉन्ग को रोस्ट करने जा रहा हूँ 2020 में। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, पर कोई बात नहीं यार, अभी सही। देखो जरा ये गाना। तो इन दोनों शक्लों को तो आप पहचान ही गए होगे। नहीं पहचानते तो मैं बता देता हूँ, जो लड़का है वो है तुषार कपूर, जिसने बहुत सारा गोलमाल किया है, मतलब कि गोलमाल फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो लड़की है इसको कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। इसका नाम है कुलराज रंधावा। नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे किसी हॉकी के खिलाड़ी का नाम हो। ये एक फिल्म का गाना है और फिल्म का नाम है 4 दिन की चांदनी, और फिल्म भी 4 दिन से ज़्यादा नहीं चली थी, इसीलिए इस फिल्म के जो विलन थे वो भी नहीं चाहते थे कि ये गाना दोबारा से बनाया जाए, इसलिए गाने को शुरू होने से पहले ही वो उन्हें मारने के लिए पहुंच गए थे। तुम पहले गाना सुनो जरा। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा। ये ऐसे 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 करके कौन सी चांदनी होती है, और फिर जब इनको लिरिक्स नहीं ना मिले वहां पे लाला लाला घुसा दिया इन्होंने। गाना सुनकर तो ये तीनों भी बोर हो गए थे और सोचने लगे कि इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। और अब ये बीच में पीठ दिखानी जरूरी थी क्या? अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते, नहीं तो क्या अगला ट्रक भर के टट्टी ले जाए। और अब ये क्या है, ऋषि कपूर का गाना अचानक से जितेंद्र के गाने में कैसे बदल गया? अरे भाई, अगर डांस जितेंद्र जी का ही करना था तो रीमेक भी उन्हीं के सॉन्ग का बना देते। हीरो को तो यहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है और हर कोई अपनी अपनी ही फीलिंग्स हीरोइन के साथ ले रहा है। दिल के अंदर कोई किसी की कैसे तस्वीर लगा सकता है? हाँ दिखाओ। देख लिया, ये सीन देखने के बाद ना मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी बोलने को। और एंड में इन्होंने अपने सारे कपड़े दिखा दिए जो इन्होंने सॉन्ग में यूज किए हैं। ओके गाइस, तो ये थी हमारी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई वीडियो। प्लीज इस सॉन्ग को हेट मत करना, बाकी आपकी मर्जी। तो गाइस, जाने से पहले सुनते जाइए नेक्स्ट वीडियो कौन से गाने पर आने वाली है। सुनो कहो, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। जी हाँ, इसी गाने पर आने वाली है मेरी नेक्स्ट वीडियो, और देखते हैं कि इसमें क्या आखिर नया सा निकल के आता है। अभी मैं भी जा रहा हूँ, मुझे देखना है कुछ हुआ कि नहीं। बाय।